हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा करंट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना पड़ता है, तो इसी वजह से करंटली मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और उसका रिजल्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। तो वो प्रोडक्ट है ला ऑर्गेनो के। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ और इसके रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग घूमने गए थे तो वहां से आने के बाद बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई थी, तो वो टैनिंग हटाने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। मेरे फेस की टैनिंग हटाने में ये जो प्रोडक्ट है इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये है ला ऑर्गेनो का फेशियल सीरम। ये विटामिन सी सीरम है, इसी वजह से इसने मेरी टैनिंग बिल्कुल हटा दी है। इसने मेरी टैनिंग हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है और जो ग्लो अब मेरी स्किन कर रही है ना वो इसी की वजह से है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये ला ऑर्गेनो का फेस वॉश। ये एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश है और हाँ, ये जो फेस वॉश है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फेस वॉश है। मतलब आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स आते ही होंगे, ये मतलब जेन्युइन बात है। अगर आपको पिंपल्स आते हैं तो ये अगर आप फेस वॉश यूज करते हो तो आपके पिंपल्स चुटकियों में गायब हो जाएंगे और ये आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है, प्रिवेंट करता है एक्ने को, बैलेंस करता है स्किन ऑयल को। तो मतलब आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन में जैसे कि नोज के अराउंड और यहाँ पर चिन पे, फोरहेड पे बहुत ज्यादा ऑयल आता होगा, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है, मुझे वही चीजें फेस करनी पड़ती है। टचवुड मुझे पिंपल्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बट अभी आप देख रहे होंगे नहीं तो बस जैसे कि मैं फेस वॉश करती हूँ बस आधे घंटे से भी कम में मेरे ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है स्किन, इतनी ऑयली स्किन है मेरी। तो बट जब से मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ तब से थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर लिखा है नो सल्फेट नो पैराबिन, मतलब इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। सल्फेट और पैराबिन जैसे जो केमिकल होते हैं ना, ये हमारे स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। तो पहले ही हमारी एक्ने प्रोन स्किन होती है और उसमें अगर आप सल्फेट और पैराबिन जैसे केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हो तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है, उससे आपके पिंपल्स कम होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। तो वो फेस वॉश गलत चूज करना और गलत प्रोडक्ट चूज करना उसी की वजह से होता है। बस आप सही फेस वॉश यूज करिए, सही प्रोडक्ट यूज करिए, जो स्किन केयर करते हो आप एकदम सही करिए, उससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है या आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है वो सही होना चाहिए, उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और आपको अगर आपकी स्किन हमेशा के लिए अच्छी रखनी है, मतलब आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, आपकी स्किन अंदर से ग्लो करना चाहिए आपकी स्किन ने, तो आपको क्या करना है, बहुत सारा पानी पीना है, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करने हैं, फ्रूट जूस पीने हैं या फ्रूट्स खाने हैं। तो ये सारी चीजें आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, अंदर से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। और सबसे मेन बात तो ये है कि आप बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करिए, तब जाके आपकी स्किन को फर्क दिखेगा। अगर आप अंदर से करते रहोगे और बाहर से आप केमिकल यूज करोगे तो डैमेज होने वाली है आपकी स्किन। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है आप मेन और वुमेन दोनों भी यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाता है और आपको मैं दिखा दूं कि इसमें आपको प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ट्यूब पैकेजिंग में आपको ये मिलता है और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी प्राइस एंड डिटेल सब कुछ दिख जाएगा। इसे यूज कैसे करना है वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपके फेस को वेट करना है, उसके बाद थोड़े से अमाउंट में ये फेस वॉश आपके हथेली पे लेना है, उसके बाद आपको रब करना है, उसके बाद आपको इसे सर्कुलर मोशन में लगाना है और फेस वॉश कर लेना है। बस सिंपल है इसे यूज करना। उसके बाद मैं यूज करती हूँ ला ऑर्गेनो का फेस स्क्रब। ये फेस स्क्रब भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और आप सभी को पता है चारकोल ये ऑयली स्किन के लिए वरदान जैसा होता है, ये आपकी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है, उसके बाद ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। और स्क्रब आपको डेली नहीं करना होता है, मैं भी डेली नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार यूज कर लेती हूँ स्क्रब को। ये जो स्क्रब है वो विथ वॉलनट शेल पाउडर के साथ आता है और ये 100% प्योर एंड नेचुरल है। इसमें भी आपको 100 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है और ये नो सल्फेट नो पैराबिन नो मिनरल्स ऑयल है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल एडेड नहीं है। इसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना।
और इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिलती है 24 मंथ्स। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप 24 मंथ्स तक इसे यूज कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आपको मिलता है, इस तरह की बॉटल में आपको मिलता है। और आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स है इसमें, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। और मेरी ऑयली स्किन होने की वजह से ना मुझे एक्टिवेट चारकोल फेस वॉश, एक्टिवेट चारकोल स्क्रब, एक्टिवेट चारकोल के मास्क, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ब्लैक हो गया है हाथ, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं यूज करती हूँ ये ला आर्गेनो का डेड सिया मर्ड मास्क। ये भी बहुत ही अच्छा मास्क है, मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया ये ऑयली स्किन के लिए चारकोल ये वरदान के जैसा ही काम करता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भी 100% प्योर एंड नेचुरल है, नो सल्फेट नो पैराबिन्स है इसमें भी। 100 ग्राम क्वांटिटी आपको मिल जाती है। और चारकोल फेस मास्क तो ब्लैक कलर का होता है, आपको सभी को पता है, तो इस तरह से आपको इसमें फेस मास्क मिल जाएगा। इस तरह की बॉटल मिलेगी और बॉटल भी प्लास्टिक की है, तो इसी वजह से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको इसमें मास्क मिलेगा और काफी ज्यादा क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी बॉटल है, काफी ज्यादा क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है, काफी दिन तक आपका ये चल जाएगा, तो इसी वजह से बहुत अच्छा है। आप इसे परचेस कर सकते हो आराम से। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो एक्ने एंड पिंपल्स की वजह से, तो आप डेफिनेटली ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और आपके एक्ने पिंपल्स गायब हो जाएंगे चुटकियों में वो भी। इसे यूज करके देखिए एक बार। और सबसे मेन इसमें मेरा फेवरेट है ये ला ऑर्गेनो का फेशियल सीरम, 20% विटामिन सी, हेलोरोनिक एसिड है इसमें, जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। इतनी अच्छी स्किन हो जाती है ना आपकी। और इसमें ग्लूटोथियोन, कोजिक एसिड, एलोवेरा एंड रैप्सिड एक्सट्रैक्ट भी है, इतनी चीजें इसमें ऐड है ना, तो इसी वजह से आपकी स्किन को ये बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। और ये जो सीरम है वो एंटी एजिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग सीरम है फॉर ऑल स्किन टाइप, मतलब कोई भी स्किन टाइप वाले हो आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ऑयली स्किन टाइप वाले हो, आप ड्राई स्किन टाइप वाले हो, आप सेंसिटिव स्किन टाइप वाले हो या नॉर्मल स्किन टाइप वाले हो, इन चारों में से आपकी स्किन कोई भी टाइप की हो आप इसे यूज कर सकते हो। और विटामिन सी तो माना ही गया है ब्राइटनिंग के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें भी पैराबिन और सिलिकॉन जैसे कोई भी केमिकल नहीं है और नेचुरल एंड सेफ है ये। ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है। और इसमें आपको 30 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने दिखाए अभी, सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्पेशली ये जो सीरम है ये मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। तो ये सीरम कुछ इस तरह से आपको मिलता है, इसमें से प्रोडक्ट नहीं निकलना चाहिए, इसी वजह से ये कैप दी होती है। पंप बॉटल इसमें आपको मिल जाती है, मतलब जैसे कि आप पंप करोगे और थोड़ा सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और आप रब करके लगा लो रात को। बहुत अच्छा सीरम है, ट्रस्ट मी, आप यूज करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपके जो पिंपल्स एंड टैनिंग की प्रॉब्लम है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम है, उसे भी ये दूर करता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला ये प्रोडक्ट है। और चारकोल तो मेरा फेवरेट है ही, तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्किन केयर रूटीन मैं अभी फॉलो कर रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। आई होप गाइज आपको ये मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन पसंद आया होगा विथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर आपके भी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी की एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, या किसी की टैनिंग बहुत ज्यादा होगी है तो उनके लिए भी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां से इन प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।